सब्सक्राइब करिए हिंदी वर्ल्ड चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज राहुल झा और हिंदी वर्ल्ड चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो बताने वाले हैं सीएससी की नई सर्विस के बारे में, जो कि अभी अभी कुछ दिन पहले पोर्टल में एड हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, पोर्टल में एक नई सर्विस एड हो चुकी है महा ऑनलाइन सर्विस के नाम से, और जिस पर आप ए डिस्ट्रिक्ट की सारी सेवाओं का लाभ उठा पाओगे महाराष्ट्र की। सो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कि सीएससी से इसका आईडी और पासवर्ड कैसे लेना है और इसमें के अंदर कितनी सेवाएं दी जाती हैं और हमें इसका कैसे यूज करना है, तो इसकी सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। सो दोस्तों, अगर आप भी इसको सीखना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो वीडियो को जो है शुरू से लेकर अंत तक का जरूर देखते रहिए। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सर्विस के बारे में जानने के लिए सबसे पहले आ जाते हैं अपने डिजिटल सेवा पोर्टल में, और डिजिटल सेवा पोर्टल में आने के बाद हम चलते हैं यहाँ पे सर्विस में। तो चलिए यहाँ पे हम सर्विस में चले जाते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे हमें सर्च करना है महा ऑनलाइन, तो यहाँ पे केवल हम महा लिख देंगे, MAHA, और जैसे हम यहाँ पे महा लिखते हैं तो यहाँ पे देखिए आ जाएगा महाराष्ट्र स्टेट सर्विस महा ऑनलाइन लिमिटेड गवर्नमेंट। तो चलिए इस पे हम क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए, आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा जहां से VLE जो है लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बता दें कि यह पोर्टल VLE के लिए है, और जो उनके अलग से सेवा केंद्र होते हैं उनका पोर्टल अलग से होता है। तो चलिए वो भी पोर्टल हम आपको दोनों पोर्टल दिखा देते हैं, वो किस तरीके से होता है और महा ऑनलाइन सर्विस का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो किस तरीके से होता है। तो दोस्तों, आप महा ऑनलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं, यहाँ पे आके आप इसकी सारी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पे आप जान सकते हैं कौन कौन सी सर्विस इसके अंदर होती है, कौन कौन से काम इसके अंदर किए जाते हैं, तो वो आपको यहाँ पे सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सिटीजन अपने अनुसार यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, BLE यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी यहाँ पे लॉगिन कर सकता है, जो कि इसका मैनेजमेंट करता है। आप इनमें से जिसके अंदर आते हैं उस पे आपको क्लिक करना है और आपको इसे लॉगिन कर लेना है। अगर आप नॉर्मल सिटीजन है तो यहाँ से आप इन सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, और अगर आप एक BLE है और आप डिजिटल सेवा पोर्टल में नहीं जाना चाहते, डायरेक्ट यहीं से लॉगिन करना चाहते हैं, तो यहाँ से भी आप लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सर्विस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, यहाँ पे 399 प्लस सिटीजन सर्विस यहाँ पे दी हुई है, तो आप यहाँ पे इन सर्विसों को देख सकते हैं। तो इतनी सर्विसें इस पोर्टल के अंदर काम करती हैं, जिनका आप इस पोर्टल का यूज करके जो है इन सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए हम BLE लॉगिन पे क्लिक करते हैं और आगे आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद अगर आप इस पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं, और अगर आप यहाँ पे रजिस्टर्ड नहीं हैं तो यहाँ पे रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्टर्ड हियर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आ जाएगा। और अगर आप आधार कार्ड के थ्रू रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो यहाँ पे KYC करिए और आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो जाइए, और अगर आप फुल इन्फॉर्मेशन और OTP के माध्यम से रजिस्टर्ड होना चाहते हैं तो इस ऑप्शन पे क्लिक करिए और OTP के माध्यम से आप यहाँ पे रजिस्टर्ड हो जाएंगे। और अगर आप एक VLE हैं और लॉगिन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप VLE लॉगिन हियर पे क्लिक करके भी डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। आपको CSC पोर्टल पे जाने की वहां पे भी कोई जरूरत नहीं होगी, सेम आप इसी पेज पे आएंगे जहां से आप CSC के पेज पे आते हैं। तो ये दोनों पेज एक जैसे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पेज को भी आप देख सकते हैं, ये भी CSC का वहीं से आया है और हम CSC से आए थे तो वो भी पेज बिल्कुल एक जैसा है, ठीक है। अब देखिए, आपको इसे लॉगिन कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आगे लिखा भी हुआ है CSC सर्विस माँ ऑनलाइन gov.in। अब देखिए, लॉगिन करने के लिए सिंपल आपको यहाँ पे अपना यूजर आईडी देना है और अपना पासवर्ड देना है और आपको लॉगिन कर लेना है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट यहाँ से अपनी CSC आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो ये लॉगिन नहीं होगा। सबसे पहले आपको अपने पोर्टल को एक्टिवेट कराना होगा अपने डिजिटल सेवा पोर्टल के थ्रू। देखिए, अगर आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं तो यहाँ पे आप क्या करिए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करिए, और जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपनी आईडी डाल दीजिए और यहाँ पे रिसेट पासवर्ड पे क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी ईमेल आईडी पे कोई रिसेट लिंक आती है तो आप उसके थ्रू रिसेट कर सकते हैं और फिर अपनी आईडी और पासवर्ड से यहाँ पे लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा करने के बाद भी आपके यहाँ कोई रिसेट लिंक नहीं आती है, कोई जो है जानकारी नहीं आती है, आपका पोर्टल नहीं रिसेट होता है, तो फिर आप क्या करिए, अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कॉन्टेक्ट करिए। जो भी आपके CSC के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे कहिए कि हमें इसका आईडी और पासवर्ड प्रोवाइड कराइए जिससे हम इस पे
काम कर पाए। तो आपको पता होगा कि डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर कैसे निकालना है, उसके ऊपर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ। और आप सीएससी की वेबसाइट पे जाके वहाँ पे आप सीएससी जो है स्टेट मैनेजर या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का कॉन्टेक्ट नंबर वहां से निकाल सकते हैं और इस पोर्टल को यहाँ पे एक्टिवेट करा सकते हैं। जैसे आप इसे एक्टिवेट यहाँ पे करा लेते हैं तो आपके आईडी और पासवर्ड से लॉग इन हो जाएगा या फिर आपके डिजिटल सेवा पोर्टल से डायरेक्ट ही लॉग इन होके आ जाएगा। और लॉगिन होने के बाद जितनी भी सेवाएं यहाँ पे आती हैं, जितनी भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं, वो सारे काम आप यहाँ पे कर पाएंगे, वो सारी सेवाएं आप यहाँ पे दे पाएंगे। और दोस्तों इसके अंदर और कोई अगर न्यूज आती है अपने हाथों से आईडी और पासवर्ड क्रिएट करने की, तो उसकी जानकारी मैं जो है आपको जल्दी वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ हमारे सिंधी वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।